जय हिंद बच्चे, मेरे YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आप सब कैसे हैं, प्लीज़ कमेंट में अपना राय बताएं। और आज हमको बताने वाले, आप थंबनेल में देखा ही होगा कि SSC GD का जो मैथ सीरीज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बेसिकली क्वेश्चंस होते कैसे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसके टॉपिक वाइज अगर हम क्लियर करेंगे, क्योंकि देखिए आप पता होगा कि कोई भी एग्जाम्स आते हैं तो कभी भी इसका सिलेबस आ जाता है, और सिलेबस के साथ अगर आप पढ़िएगा ना तो आपका मार्क्स ज़्यादा आने का चांसेस बनते हैं। तो आप आज मैं कोशिश करूँगा कि जो मैथ के जितने भी टॉपिक हैं जिससे SSC GD में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बेसिकली सारे क्लियर कराएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो बहुत सारे डिटेल्स आपको जो मैथ के प्रति जो क्वेश्चन जो आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें पर आज बात करेंगे। और क्वेश्चन का हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़्यादा कराएंगे नहीं, हर एक टॉपिक में एक क्वेश्चन कराएंगे, जो बेसिक वाइज बढ़िया क्वेश्चन होता है जिसे क्वेश्चन पूछे गए हैं हमेशा। तो आज सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज आपको बात करते हैं कि बच्चे जो भी गिव अवे में पार्टिसिपेंट नहीं लिए हुए, तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो हमारा रनिंग का टोटल किट को आपको गिव अवे दिया जाएगा 20 ऐसे बच्चों को। तो जाके मुझे फॉलो करिए, और वहाँ पे आप फॉलो करने के बाद कोई भी फोटोज़ को आप लाइक करें, कमेंट करें, इसके अनुसार आपको जो पार्टिसिपेंट में आपका जो नाम इंक्लूड किया जाएगा वहाँ से ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स था आपको, और मैं आपको थोड़ा सा आप लोग से मेरा नम्र निवेदन है कि एक हम लोगों की जैसा, आप लोगों की जैसा एक बच्चा है जो इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन करता है और ये म्यूजिशियन बनना चाहता है, म्यूजिशियन मतलब इंडियन आर्मी के तहत ज्वाइन करके म्यूजिशियन बनना चाहता है, इन्होंने एक वीडियोस बनाया है और सॉन्ग्स के तौर पे, और ये हम लोगों के लिए ही है, बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए है जो तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए। तो वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके वीडियोस को लाइक करिए और यूज़ करिए। देखिए बच्चा बहुत मेहनत किया हुआ है, तो पहले मैं ये सारी चीज़ें बात करते हैं। हम लोगों जैसे ही बच्चा है वो मेहनत करता है बहुत ज़्यादा। तो आप चलते हैं वीडियोस की ओर। बच्चा मैं आपको बता दूं कि टॉपिक वाइज हम लोग देखेंगे कि कौन से टॉपिक मैथ में पूछे जाते हैं, जो बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। और देखिए पढ़ने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन हम लोग वही टॉपिक को पढ़ेंगे जो क्वेश्चन जहाँ से पूछते हैं। अब मैं बात करूँगा कि सबसे पहले जो आता है क्वेश्चन नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक से दो क्वेश्चंस आपके आएगा। रिलेशन बिटवीन नंबर, रिलेशन बिटवीन मतलब नंबर सिस्टम में ही आते हैं रिलेशन बिटवीन नंबर्स के क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद आता है सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। इसमें सभी क्वेश्चन जितने भी तरह का मैं टॉपिक बोल रहा हूँ, सभी टॉपिक को मैं क्लियर कराऊंगा आज, ठीक है। अब दूसरा आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब चलते हैं इसके बाद फाइव में एवरेज आता है, औसत। छठा में टाइम एंड डिस्टेंस आता है, सातवां में टाइम एंड वर्क आता है, आठवां में CI एंड SI आता है, नाइन्थ में लॉस एंड प्रॉफिट होता है, टेंथ में डिस्काउंट होता है, इलेवेंथ में मेंसुरेशन होता है, ट्वेल्थ में परसेंटेज होता है। ये सारी क्वेश्चंस है जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 99%। अब मैथ का यही एक ऐसा टॉपिक है, यही इतना ही टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, ये सारे टॉपिक को क्लियर कर लेना है। क्लियर करिएगा तो आपको 25 में 24 या 23 तो 100% आएगा। हो सकता है एक दो क्वेश्चन इधर उधर से दे दे, तो नहीं कहते, थोड़ा सा एडवांस पढ़िएगा तो और बेहतर है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं, टॉपिक को कर लेते हैं, तो आपके 24 या 25 भी आ सकता है, ठीक है। तो आप चलते हैं कि एक एक टॉपिक, मैं आपको बता दूं कि 12 टॉपिक है आज इस वीडियोज़ में, आपका 6 टॉपिक करा देंगे, 6 टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक है। ये सारी डिटेल्स के साथ आज को बताने वाले हैं, ठीक है। अब आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछती है, आपको ये चीज़ जानना है, ठीक है। अब मैं नंबर सिस्टम में बात करूंगा कि नंबर सिस्टम में पहला क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है, नंबर सिस्टम में क्वेश्चन हमेशा कैसे पूछता है ये भी बता देता हूँ। देखता है पूछता है कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 41 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 अंकों का है ना बच्चा, 5 अंकों का, 5 अंकों का मतलब सबसे छोटी संख्या। अगर हम लोग बड़ी संख्या में बात करेंगे, अगर पहले बड़ी संख्या की बात करें तो बड़ी संख्या आपको पता होगा जितनी बड़ी संख्या होता है उतना 9 लिखते हैं। अगर 5 9 बोल रहा है, 5 के अंकों की बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे हम लोग, 5 को 9 लिख देंगे, है ना। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होंगे। लेकिन अगर बोलेगा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या करना है, एक देके इसके बाद जितनी संख्या बच गई उतना 4 को 0, मतलब 5 संख्या में एक संख्या हो गया, 4 को 0 दे देंगे, 1 2 3 और 4, मतलब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गया। हम क्या बोले आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक वाइज है ना। हमने क्या बोला कि यदि कोई बड़ी से बड़ी संख्या, अगर बोलेगा 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 7 times 9 दे देंगे ना, 3 3 6 6 1 7 हो गया। लेकिन यही बोलेगा 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 1 देख के 6 को 0 दे देंगे ना बच्चा, ये हो गया 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब क्वेश्चन बोल रहा है हमारे बीच में कि
क्या आएगा क्वेश्चंस? बोल रहा है कि पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 41 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, एक चार को जीरो देंगे, है ना, ये हो गया पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब क्या करना है, ऐसे जो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो आपको करना क्या है कि उसी संख्या से इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? अगर 41 बोल रहे थे इसको 41 से डिवाइड कर देंगे, तो 41 टू जा 82, है ना। अब यहां पे बचेगा कितना, 8, और इधर बच गया 1। अगर 41 में 18 भागने जाएंगे तो एक जीरो देंगे यहां पे, है ना। 41 को सोचिए कि 41 बच्चे नहीं आएगा, 8 चौके 32, 7 बार में 7 चौके नहीं 8 बार में 6 बार में आ जाएगा, 6 चौके 24, न 5 ही बार में लगाइए, 5 बार में भी नहीं आएगा, 4 बार में लगाइए, 4 बार में कितना आएगा, 4 164, मतलब 164। यहाँ पे कितना बचा बच्चा, तो 10 एक जीरो 6 बच गया, यहाँ पे 8 7 में जगह 16 बचा, 16 में अब यहाँ पे देखना एक जीरो बच के 16, तो 41 में 16 डिविजिबल नहीं होगा, जीरो बैठाएंगे। अब यहाँ पे एक देखिए कि 64 आता, मतलब 3 बार में मल्टी करेंगे तो 3 बार में कितना, 3 और 12 मतलब 123 आएगा, 123 है ना, 3 बार में कितना बचा बच्चा, 7 और यहाँ 3 37, इसका शेष 37 बच गया। अब हमको देखना है कि जो शेष बचता है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा संख्या बच जाता है, उसको देखेंगे कि 41 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। तो 37 को 41 अगर डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसमें 4 और ऐड कर देंगे, इसमें 4 और ऐड कर देंगे तो 41 आराम से डिविजिबल हो जाएगा, होगा ना। तो इसको क्या करना है, तो इसमें अगर एक ये संख्या से अगर हम डिविजिबल करेंगे, क्योंकि 4 संख्या इसमें और ऐड करेंगे तो इसमें क्या होगा, एड हो, इसमें 4 संख्या के सब छोटी संख्या में क्या होगा, ये डिविजिबल 41 से हो जाएगा। ये सारी संख्या है जो आपको देखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको उसी संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा जो संख्या से पूछ रहा है, ठीक है, और जो संख्या शेष में बचेगा उसी संख्या को फिर उस नंबर पर जोड़ देना है। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तरीके से पढ़िएगा, और आपको बता दूं कि हमारे द्वारा लिखा गया मैथ का और रीजनिंग का, यदि आपको बुक चाहिए या बुक को अगर नहीं ले पाते हैं तो अगर आप पीडीएफ चाहिए तो आपको ज़्यादा नहीं 50 रुपीज़ का चार्ज है, आप बाय कर सकते हैं। बाय द बहुत अच्छे तरीके से बुक को बनाया गया है, इस बुक में टोटल टॉपिक कवर किया गया, चाहे रीजनिंग का हो या मैथ का हो, और बहुत तौर तरीके से जो क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा टफ नहीं, हर एक चीज़ को एक एक पॉइंट को समझाया गया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आपको बता दें, देखिए नंबर सिस्टम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है, 932872 इसका पावर दे देगा 27। क्लियर है? 29 कर देगा, ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा 29 कुछ भी दे सकता है, बोल देगा कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई से कहते हैं ना बच्चे, जो फ्रंट के बैस में आता है इकाई अंक, इसी को कहते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, इस तरीके से काउंट होता है ना। तो ये फर्स्ट नंबर है, मतलब बोल रहा है कि इकाई अंक में कौन सी संख्या होगा। तो यदि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, इतनी संख्या को अगर 29 टाइम्स को हम मल्टीपल करेंगे तो मेरा लगता है कि 3 घंटा काफ़ी नहीं बहुत कम होगा, क्योंकि गुना करते जाएंगे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाएगा। तो आपको करना क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि हम देखें 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था वो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन, 2020 का जो एग्जाम 2019 का जो हुआ है एज इट इज क्वेश्चन, 3 ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला था हर शिफ्ट में। तो आपको क्या करना है, जिसका जितना पावर होता है उसको 4 से मल्टी डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, सच चौके 28 बचा 1। याद रखिएगा जो इकाई अंक, जो मतलब लास्ट में शेष बचेगा, जो संख्या का शेष में बचेगा उसी का पावर कर देंगे, ठीक है। तो शेष कितना बचा, 1, तो इसका बताइए 2 का पावर अगर 1 करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2, तो इसका इकाई अंक कितना होगा बच्चा, 2 होगा। हो सकता है कि इसमें 30 हो जाता है ना, इसमें अगर पावर में 30 होता तो 30 को डिवाइड करते तो कितना शेष बचता, 2 बचता, मतलब यहाँ पे पावर को क्या करते, 2 कर देते, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, मतलब इकाई अंक कितना होगा बच्चा, 4 होगा। यदि यहाँ पे 6 हो जाता, अगर यहाँ 5 हो जाता है 35, अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 बच जाता है, ठीक है ना बच्चा। तो ऐसे संख्या में क्या करते हैं, तो 2 × 2 × 2 × 2, तो 5 नहीं बचता, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 या 2 ही या 3 बच सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बचेगा। याद रखिएगा जब हम 4 से कोई संख्या को डिवाइड करेंगे तो 3 में से 3 डिजिट में 1 ही बचेगा, क्या, या तो 0 बच सकता है, 0 अगर बचेगा तो आपको पता होगा किसी भी संख्या का पावर में 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 होता है ना, आप लोगों को भी पता होगा। तो या तो 0 बच सकता है, या तो 2 या तो 3, 2 या 3, राइट, या 1 भी बचेगा, तो ये 4 संख्या ही बच सकता है। तो अगर किसी संख्या का पावर में 0 आ जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, इकाई अंक 1 आ जाएगा। यदि 1 आ गया तो वही संख्या जी चीज रहेगा, 2 आ गया तो उसको 2 पर मल्टीपल कर देंगे, 3 आ गया तो 3 पर मल्टीपल कर देंगे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो बेसिकली हर एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा SSC GD में ही आता है, ये क्वेश्चन बहुत टफ है
जो बच्चा नहीं जानता है, जो बच्चा जानता है वो उसको इजली में बना के निकल जाएगा, है ना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, जो हमको बेसिकली हम लोग को जानना चाहिए। ये आपका हो गया नंबर सिस्टम, रेशियो नंबर। अब आता है अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस में कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, इसी जैसा मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन नंबर बिटवीन नंबर में। तो आदि किसी संख्या का 60% क्वेश्चन बोल रहा है, आदि किसी संख्या का, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ रेशियो एंड बिटवीन नंबर का क्वेश्चन है कि आदि किसी संख्या के 60% में से 60 को घटाने पर शेष 60 आता है। क्वेश्चन क्या है फिर से समझिएगा, आदि किसी संख्या को 60% में से 60 को घटाने पर शेष संख्या 60 आता है, तो वो संख्या क्या होगा। तो मतलब समझ आइए ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, जो संख्या बोल रहे उसको एक्स लेट कर लेते हैं। आप बोल रहे इसका 60% है ना, और इसमें 60 घटाएंगे तो भी क्या बचेगा हम लोग पास, 60 बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि यदि किसी संख्या में इसका 60% में 60 घटाने पर वह संख्या शेष जो बचता है वो 60 बचता है, क्लियर है। अब देखिए एक्स का अगर 60% निकालेंगे तो 100% आपको परसेंटेज का मतलब होता है 100, है ना। तो 100 मतलब 100 माइनस 60 इक्वल टू 60, क्लियर है। एक शून्य से एक शून्य कटेगा, ये 5 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, मतलब 3x बटा 5 माइनस 60 इक्वल टू 60, क्लियर है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 5 एलसीएम का 5 आएगा, तो 3x माइनस 5 को गुना करेंगे तो 300 इक्वल टू 60, है ना बच्चा। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो 3x माइनस 300 इक्वल टू 300। अब 3x माइनस प्लस, अगर माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में आएगा तो 600 हो जाएगा, 300 300 600, तो x बराबर क्या आ जाएगा 200 आएगा, कितना आएगा 200। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे फाइंड करेंगे, ऐसा ही फाइंड करेंगे, क्लियर है। आप लोग को ये सारी क्वेश्चंस जो है वो समझ आता होगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से टॉपिक करना है। x का वैल्यू 200 आ गया तो मतलब 200 इसका जो वैल्यू होगा, तो 200 का 60% यहां से निकालेंगे, 200 का 60% माइनस 60, ठीक है। 10 से 10, 10 से 10। अब यहाँ पे करिए 120 माइनस 60 इक्वल टू 60, आ गया ना, प्रूफ हो गया ना, ये प्रूफ ही कर दिया। तो 200 संख्या है, दो एक्स की वैल्यू जो आ गया 200 हो गया, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है डेसिमल एंड फ्रैक्शंस में, ठीक है। डेसिमल एंड फ्रैक्शंस में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ये आप देखेंगे, ठीक है। डेसिमल एंड फ्रैक्शंस में जो क्वेश्चन आते हैं बच्चे वो है 144 बटा 0.144 इक्वल टू 14.4 इन डिवाइडेड एक्स। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है आपका मेंटेबिलिटी को चेक करता है कि आप कितना घबरा जाते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन इजी रहता है लेकिन आपको घबराने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे दे देते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देता है। तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग को, एक इसे संख्या में हम लोग को करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसको हटाएंगे तो 30 यहां बैठेगा, ठीक है। हमको समझ आया, तो 0 पॉइंट के बाद जितनी संख्या होता है यदि हम पॉइंट को हटाएंगे उतनी संख्या ऊपर में जीरो का मल्टीपल होगा, क्लियर है। अब यहां पे देखेंगे कि क्वेश्चंस 144 को एक बार में काटेंगे मतलब कितना आ जाएगा, 1000 ऊपर आ जाएगा और नीचे बच गया 14.4x, है ना बच्चे। अब यहां पे एक जीरो हटाएंगे जहां जीरो आ जाएगा, मतलब यहां पे कितना आएगा 10 आ जाएगा, है ना, 10x। अब यहां पे करेंगे कि अगर 10x * 1000 बराबर 144, है ना। अब काटेंगे तो यहां 12 कितना बार में कटेगा, 7 × 72, ये कट जाएगा 500 बार में, फिर ये कट जाएगा 36 बार में, ये कट जाएगा 250 बार में, है ना, ये कट जाएगा 18 बार में, ये कट जाएगा 125 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 9 बार में, है ना बच्चा। अब यहाँ पे 5x इक्व इंटू 125 डिवल 9, है ना। अगर हम लोग करते हैं मल्टीपल में तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड में, क्या जाएगा डिवाइडेड, मतलब x इक्वल टू 9 डिवाइडेड 125, है ना बच्चा। अब यहाँ पे 5 मल्टीपल इधर लाएंगे तो डिवाइडेड में आ जाएगा 9 इंटू 125 डिवाइडेड 5, मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 9, 5 5 25 बाकी में 2, 5 2 10, 2 12 बाकी में 1, 5 4 625, इसको डिविजिबल करेंगे जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर हमारे पास आएगा निकल के, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग उसी तरीके से फाइंड करना है और तौर तरीके से। देखिए हमको कभी भी बच्चा लोग शॉर्टकट के पीछे भागता है, शॉर्टकट मत भागिए, क्योंकि यदि आपका बेसिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चंस को आराम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे बीच में जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है, क्वेश्चंस क्या है, ए इज टू बी 7:9 में है, ठीक है।
और बी टू सी जो है वो 15:9 में है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन बोल रहा है ए टू सी क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये भी आपको गौर करेंगे। ए और बी, ठीक है, और बी और सी, दैट्स मीन ए और बी 7:9 है और यहाँ पे 15:9 है। हम लोग कोशिश करेंगे कि बी की वैल्यू को मिलाएंगे, ठीक है, बी की जो वैल्यू है सेम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 9 है, तो ऐसे कौन से संख्या को मल्टीपल करेंगे जो बराबर दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 से मल्टीपल करते हैं, यहाँ से 3 से मल्टीपल करते हैं, है ना। तो मल्टीपल करने पर क्या होगा, तीनों को दोनों को मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो 35 और यहाँ पे 45 आएगा, यहाँ भी क्या होगा 45 और 27 आएगा। मतलब क्या आएगा, ये और ये दोनों वैल्यू सेम हो गया। अब ए और सी का आ गया, मतलब 35:27 आएगा, ये और सी का वैल्यू आ गया, है ना, 35:27। अगर कटेगा ठीक है, काट देना, नहीं तो इसका आंसर यही होगा, ए टू सी का आंसर क्या होगा 35:27 राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में अगर जो चीज़ बोलता है कि ए बाय बी क्या होगा या सी बाय ए क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो टर्म जो होते हैं बी या ए, जो दो टर्म हमेशा दिख रहा हो, ये दोनों को पहले इक्वल करने की कोशिश करिए। अभी मैंने यहाँ दो टर्म क्या क्या दिखा था, बी और बी देखा, तो बी और बी दोनों वैल्यू को 9 और 15 को क्या किया, इक्वल कर दिया। इक्वल करने पर ये दोनों वैल्यू हमारा फाइंड हो गया, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस में और आगे बताते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चंस को किसका आता है, एवरेज का, ठीक है, औसत का क्वेश्चंस है। बोल रहा है कि पांच संख्याओं का औसत 27 है, बोल रहा है पांच संख्याओं का औसत 27 है, तो उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो वह संख्या कौन होगी जो निकाली गई संख्या। बोल रहा है कि पांच संख्याओं का जो औसत है, जो पांच संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 27 है, 5:27 एवरेज का मतलब था औसत। मतलब अगर सोचिए कि पांच बच्चे हैं और पांचों बच्चे पास किसी पास 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये से करके टोटल को जोड़ने के बाद जितना जोड़ेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज का मतलब होता है S1+S2+S3+S4 डिवाइडेड बाई 4। मतलब जितने आदमी होते हैं इतने से इतना डिविजिबल हो जाता है, इतनी एक संख्या को जोड़ने के बाद इतने से डिविजिबल। मतलब पांच संख्या, तो पांच को संख्या होगा और पांचों संख्या को जोड़ने के बाद पांच संख्या को डिवाइड, पांच से डिवाइड किया गया होगा, जो फाइनल होगा वही इसका 27 आ रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि पांच संख्याओं का जो औसत है वो 27 है। अब बोल रहा है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अब फिर अगर एक संख्या हम निकाल देते हैं, पांच संख्या में से एक संख्या अगर निकाल देते हैं तो कितना बच गया, 4। और बोल रहा है कि इसका जो औसत आएगा वो 25 आ रहा है, क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। तो 27 को 25 से करना करेंगे तो 5 7 35 बाकी में 3 135 माइनस 25 4 100 135 में 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। इसका राइट आंसर कितना होगा, 35, कि ये निकाली गई संख्या 35 थी, 35 थी, जिसकी वजह से इसका जो औसत है एवरेज था वो कम हो गया था, क्लियर है। तो ये सारी संख्या है जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, खास करके ऐसे ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को सैंपल दे रहा हूँ, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब डायरेक्शन में आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं SSGD में। आपको जो वीडियोस मिलेगा, हर एक टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलेगा, क्लियर मिलेगा सारे वीडियोस एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टाइम एंड डिस्टेंस में, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में क्या क्वेश्चन है बच्चा, आपको मैं बता दूं। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, टाइम एंड डिस्टेंस का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रख लेना है S1 × S2 / S1 + S2 × टोटल टाइम, क्लियर है, याद रख लेना। ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन अगर आपके पास दिख जाए तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रख लेना है। टोटल S1 S2 मतलब क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल जो इसका स्पीड है, ठीक है, ये टोटल स्पीड जो कवर कर रहा है, तो ये कवर और इसमें दोनों का स्पीड को जोड़ देंगे, पहले टोटल स्पीड को मल्टीपल करके टोटल स्पीड को जोड़ेंगे, टोटल जो टाइम लगा। ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए समझिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, स्कूल जा रहा है, और वो रिटर्न में 2 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है। मतलब यदि वो बच्चा ए से बी, अगर इसका स्कूल का जगह है, इसका एरिया हमको या डिस्टेंस इसको हमको पता है नहीं, अगर वो आ रहा है, मतलब बोल रहा है कि 3 किलोमीटर पर घंटा से जा रहा है, मतलब और नीचे जब आते समय आ रहा है वो 2 घंटा प्रति किलोमीटर आ रहा है, ठीक है, जाते टाइम 3 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है और आते टाइम 2 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें टोटल समय जो लगा इसको आने जाने में वो 5 घंटा लगा, कितना लगा, 5 घंटा लगा। तो बोल रहा है कि इसका
हाँ, तो बोल रहा है कि इसका टोटल क्या कवरिंग किया था डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो ये क्या करना आपको कि 3 घंटा गया, 3 इंटू कितना किया है 2, है ना। 3 घंटा गया और आया कितना 2 घंटा में, और फिर जोड़ेंगे 3 प्लस 2, और टोटल समय कितना लगा 5 लगा। मतलब 3 × 2 मतलब कितना जगह 6, और टोटल कितना था 5 × 5, मतलब वो टोटल कवर कितना किया 6 किलोमीटर टोटल कवर किया था बच्चा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। और आप गिव अवे में अगर पार्टिसिपेंट नहीं लिए हैं तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वॉच करिए और यहाँ पे फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं फॉलो इंस्टाग्राम में लाइव आता हूँ। और क्या मैं बोलूँ, आप लोग ही हमें कुछ बोलिए, सजेशन दीजिए हमको क्या करना है बेस्ट से बेस्ट। और हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग हो, और मैं बता दूं कि जो आप लोग नहीं देखे होंगे जाके इस बच्चे का वीडियोस देखिए, सॉन्ग्स बनाते हैं, खास करके बहुत मेहनती बच्चा है वो, अमित नाम है इसका, और ये भी TAUA की रैली का प्रिपरेशन करता है, बहुत अच्छा रनिंग इसका, बहुत बढ़िया है, मेहनत करता है। तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, वीडियोज़ को लाइक करिए। तो आई होप अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।